हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेद एकेडमी. सो दिस इज़ द चैप्टर नंबर 9 ऑफ क्लास 6. सो वी आर डूइंग द पार्ट 2 विच इज़ द क्वेश्चन नंबर विच विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20. तो फटाफट से अगर आप चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ये चीज़ आपको बहुत ही फ़ायदेमंद देगी, क्योंकि जितने भी आगे के चैप्टर्स हैं या पीछे के चैप्टर्स हैं आपको इसी चैनल पर मिलेंगे. तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये चीज़ इतनी इजी हो सके. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है. हाउ मेनी नॉर्थ एंड द साउथ पोल आर प्रेजेंट इफ द मैग्नेट इज़ ब्रोकन इनटू 6 पीसेस विदाउट लॉस ऑफ मैग्नेटिज्म. तो अगर एक चुंबक लेते हैं, मान लीजिए आपके पास एक बड़ा सा बार मैग्नेट है और आपने उसे क्या किया है, 6 टुकड़ों में तोड़ दिया है, तो आप उसके कितने पोल होंगे. तो जाहिर सी बात है, एक मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, तो 6 मैग्नेट के 6 × 2 कितने पोल होंगे, 12 पोल होंगे. तो इसका सही ऑप्शन होगा नंबर बी, 12. ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है वो देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, 2 मैग्नेट आर प्लेस्ड इन अ कंटेनर आर शोन इन द फिगर बाय सम एक्सटर्नल फोर्स. व्हाट वुड हैपन इफ द फोर्स ऑन अ मैग्नेट पी इज रिमूव्ड. तो यहाँ पे आप देखिए, एक कंटेनर दिया गया है, ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में 2 मैग्नेट, ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, ठीक है, ये 2 मैग्नेट यहाँ पे रखे गए हैं. तो यहाँ पे बोला गया है कि ये दोनों मैग्नेट को किसी फोर्स के साथ रखा गया है. तो क्या होगा जब उस मैग्नेट का फोर्स को हटा दिया जाएगा. तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, मैग्नेट पी विल अट्रैक्ट मैग्नेट क्यू. क्या चुंबक, मैग्नेट पी चुंबक जो है वो मैग्नेट क्यू चुंबक से चिपक जाएगा, या मैग्नेट पी विल रिपेल, मैग्नेट पी जो है उससे दूर जाएगा, मीन्स रिपेल हो जाएगा. बोथ मैग्नेट विल डीमैग्नेटाइज, क्या दोनों मैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, या बोथ मैग्नेट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट. तो यहाँ पे बच्चा बच्चा इसका आंसर दे देगा, बिकॉज कैसे वी ऑल नो दैट द मैग्नेट इज इन द अपोजिट साइड इट अट्रैक्ट्स, बट वैन द मैग्नेट इज विथ ओन साइड, मतलब खुद के साइड के जैसे साइड के साथ है, तो इट विल रिपेल. तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी. ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. व्हेन शू हॉर्स मैग्नेट को पाइल, आयरन फिलिंग पाइल के पास लाया जाता है, तो मोर फिलिंग विल गेट अट्रैक्ट टू द यू शेप्ड पार्ट ऑफ द मैग्नेट. तो बहुत सारे फीलिंग्स जो है उसके साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे. या स्टेटमेंट 2 में बोला है, हॉर्सशू मैग्नेट हैज़ ओनली 1 पोल. हॉर्सशू मैग्नेट जो है उसके सिर्फ 1 पोल होता है, दैट इज़ द यू शेप्ड पार्ट. तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिया गया है, ऑप्शंस नंबर ए में दिया है, बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर ट्रू. दोनों स्टेटमेंट ट्रू है. आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है, राइट. बोथ ऑप्शन 1 और 2 आर ट्रू एंड द स्टेटमेंट 2 इज द इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. लेट्स सी द अनदर पेज. तो अनदर पेज में आपको क्या दिया है, बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर ट्रू, बट द स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. 13 में दिया है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट द स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. तो ये भी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बाकी दो की तरह. अब ऑप्शन डी में भी बोला है, बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर फॉल्स. तो ये सही है, बोथ द स्टेटमेंट 1 और 2 आर फॉल्स. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी. ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. कौन सा फॉलोइंग ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है. ओके, टू इंक्रीज
ऑप्शन ए में बोला टू इंक्रीज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इंक्रीज द नंबर ऑफ स्ट्रोक वाइल क्रिएटिंग मैग्नेट। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है कि अगर आपको मैग्नेटिक की स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो आपको नंबर ऑफ स्ट्रोक जब मैग्नेट बना रहे हैं तो बढ़ानी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी में बोला है टू इंक्रीज द मैग्नेट स्ट्रेंथ इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉइल अराउंड द मिल। तो अगर आपको मैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो आपको उसके नंबर ऑफ कॉइल जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, ऑप्शन सी में बोला है मैग्नेटिक फोर्स इज अ पुलिंग फोर्स ओनली। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक पुलिंग फोर्स है। तो ये एक गलत स्टेटमेंट है। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो पुलिंग एज वेल एज पुशिंग फोर्स भी है। ओके, अब डी में बोला है मैग्नेट मे लूज इट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी व्हेन हीटेड टू अ वेरी हाई टेम्परेचर। सही बात है, अगर मैग्नेट को वेरी हाई टेम्परेचर में जलाया जाए, गर्म किया जाए, तो उसके जो मैग्नेटिक पावर है वो क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी जो है वो एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू स्टोर कीप मैग्नेट। तो अगर आपको मैग्नेट को कीप करना है तो आप कौन सा बेस्ट वे देखोगे मैग्नेट को लॉन्ग टाइम तक रखने के लिए अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दिया है कि उसे आप लकड़ी के साथ रखिए। ऑप्शन बी में दिया है कि आप उसे प्लास्टिक के साथ रखिए। ऑप्शन सी में दिया है कॉपर के साथ रखिए। ऑप्शन डी में दिया है कि आप उसे सॉफ्ट आयरन के साथ रखिए। तो जब भी पोल्स को सॉफ्ट आयरन के साथ रखते हैं तो मैग्नेटिज्म जो होते हैं वो प्रिजर्व रहते हैं बहुत दिनों तक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 16 विच इज द अचीवर सेक्शन हॉट। ओके, नंबर 16 में बोला है अरुण सस्पेंडेड अ बार मैग्नेट ऑन अ स्ट्रिंग एज शोन इन द डायग्राम। ही बॉट 3 बार शेप्ड ऑब्जेक्ट पी क्यू आर टूवर्ड्स द बार मैग्नेट। अरुण प्लेस द एंड एक्स एंड वाई ऑफ ईच ऑब्जेक्ट नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट एंड रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन इन द टेबल गिवन बिलो। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो अरुण ने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें उसने क्या किया है, एक स्ट्रिंग से बार मैग्नेट को बांधा है। वो जब भी ऑब्जेक्ट एक्स वाई को पास में ला रहा है तो उसने जो भी ऑब्जर्व किया है वो उसने यहाँ पे लिखा है। ऑब्जेक्ट एंड एक्स बॉड नियर द नॉर्थ पोल। ऑब्जेक्ट एंड वाई बॉड नियर द नॉर्थ पोल। ओके, नंबर ऑब्जेक्ट पी क्यू आर, तो पी में देखा है उसने नॉर्थ पोल रिपेल, नॉर्थ पोल रिपेल हो रहा था। वाई में देखा नॉर्थ पोल अट्रैक्ट हो रहा था। ओके, क्यू में देखा नॉर्थ पोल अट्रैक्ट हो रहा था, नॉर्थ पोल क्यू में रिपेल हो रहा था नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल। ओके, आर में देख रहा था वो नॉर्थ पोल रिमेन स्टेशनरी, नॉर्थ पोल, और ऑब्जेक्ट वाई में देख रहा था नॉर्थ पोल रिमेन स्टेशनरी। तो यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द ऑब्जेक्ट इज आर द मैग्नेट। कौन सा ऑब्जेक्ट मैग्नेट है यहाँ पे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा, तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है विच ऑब्जेक्ट इज मैग्नेट। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मैग्नेट है वो है आपका पी एंड क्यू, ऑप्शन सी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो दिखाया गया पी ऑब्जेक्ट में एक्स पार्ट जो है वो जाहिर सी बात है नॉर्थ पोल होगा जिसके वजह से वो रिपेल हो रहा है, और वाई जो होगा वो साउथ पोल होगा जिसके वजह से वो अट्रैक्ट हो रहा है। वही सेम कंडीशन क्यू में भी है, एक्स जो है वो अट्रैक्ट हो रहा था बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट पोल। ओके, एंड एन जो हो रहा था वो रिपेल हो रहा था बिकॉज ऑफ द सेम पोल। ओके, तो इसीलिए वो
ऑब्जेक्ट मैग्नेट है, ओके। तो यहाँ पे आर में ऐसा नहीं है क्योंकि वो स्टेबल रह रहा था, उसमें कोई मैग्नेटिज्म क्रिएट ही नहीं हो रही थी। तो हमें यहाँ पे पूछा है कि कौन सा ऑब्जेक्ट मैग्नेट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है, व्हेन आशा सस्पेंडेड फोर बार 1, 2, 3, 4 ऑफ डिफरेंट मटेरियल फ्रॉम अ पोल एंड बॉट द नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट नियर द पी एंड क्यू ऑफ ईच बार वन बाय वन आर शोन इन द फिगर देन ही ऑब्जर्व। फिर उसने क्या किया, आशा ने एक सस्पेंडेड फोर बार्स लाए हैं, 1, 2, 3, 4 उसे नाम दिए हैं, और उसके पोल को नॉर्थ पोल सॉरी फ्रॉम अ पोल एंड बॉट द नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट। जब भी वो बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को पी एंड क्यू के पास नियर लेके जा रही थी तो उसने कुछ ऑब्जर्व किया है उसके बारे में, उसने यहाँ पर बताया है पहले वाले क्वेश्चन की तरह। उसने देखा मैग्नेट पी जो है, मैग्नेट पी का जो पार्ट है वो वन में रिपेल हो रहा है, क्यू में अट्रैक्ट हो रहा है। नंबर टू में देखा कुछ भी हैपन नहीं हो रहा है। नंबर पी में देखा है उसने कि पार्ट पी जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है, पार्ट क्यू रिपेल हो रहा है। नंबर फोर बार मैग्नेट में देखा है पार्ट पी अट्रैक्ट हो रहा है एंड पार्ट क्यू भी अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट करेक्टली रिप्रेजेंट मेटल बार 1, 2, 3, 4, कौन सा मेटल बार है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा, अब इसका सही आंसर होगा, अब देखिए बार वन जरूर मैग्नेट होगा जिसके वजह से एक पार्ट अट्रैक्ट और दूसरा पार्ट रिपेल हो रहा है। बार टू कुछ भी नहीं है इसीलिए उसमें कोई मैग्नेटिज्म नहीं हो रहा है, कोई पुशिंग पुल एंड पुशिंग फोर्स नहीं है अप्लाई हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो उडन बार हो सकता है। नंबर थ्री भी एक मैग्नेट ही है जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट और रिपेल हो रहा है, और मैग्नेट फोर जो है वो जाहिर सी बात है आयरन बार होगा जिसके वजह से बोथ पार्ट जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है, राइट। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बोला है बीना स्प्रेड सम आयरन फिलिंग यूनिफॉर्मली ऑन अ शीट ऑफ पेपर, नाउ शी प्लेस्ड द गिवन मैग्नेट ऑन द शीट। तो उसने क्या किया है, यूनिफॉर्मली इधर उधर क्या किया, आयरन फिलिंग डाल दिया है और उसने मैग्नेट डाला है ऑन द शीट। विच ऑफ द फॉलोइंग बार ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ आयरन फिलिंग, कौन सा बार ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है आयरन फिलिंग जो स्टिक करेगा टू द वेरियस पार्ट ऑफ द मैग्नेट, ओके। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं नीचे के ऑप्शंस में क्या दिए गए हैं। नंबर ऑफ आयरन फिलिंग पार्ट वन में, पार्ट वन में देखिए यहाँ पे दिखाया है 1, 2 ग्राफ के हिसाब से 3 और 4, ओके। पार्ट बी में आपको दिखाया है 1, 2, 3, 4 वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाया है, राइट। पार्ट सी में दिखाया है, तो ये देखिए ये जो है इसका सही आंसर अगर आप बोलेंगे तो इसका सही आंसर ए होगा, बिकॉज जो स्ट्रेंथ है बार मैग्नेट का वो मैक्सिमम रीजन में जो उसके एंड के सामने क्लोज होंगे उसको वो सबसे ज़्यादा मीन्स क्या बोले अट्रैक्ट करेगा, राइट। एंड द मैक्सिमम और उसके जो पोल्स होंगे वो सबसे ज़्यादा पोल्स में मैक्सिमम अट्रैक्ट करेंगे, तो इसी वजह से इसका सही ऑप्शंस जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 19। अगर आप इसे ठीक तरीके से इस पोर्शन को देखेंगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ। ये वाली जो चीज़ें हैं ना इससे पता चल जाएगा आपको कि वो बार कैसे मेंटेन किया गया है, ठीक है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है।
अ प्लोटिंग कंपास इज मूव स्लोली टूवर्ड्स द मेटल बार एक्स. एक प्लोटिंग कंपास है जो स्लोली मूव किया गया है मेटल बार के पास एक्स अलोंग द पाथ शो बाय डोटेड एरोज. और यहाँ पे अलोंग द पाथ यहाँ पे डोटेड एरोज दिया गया है. द फाइनल पोजिशन पी, द फाइनल पोजिशन पी ऑफ द कंपास नीडल इज शोन. फाइनल पोजिशन कैसा दिखा रहा है देखिए. वेन वॉट कुड यू कंक्लूड अबाउट द बार बेस्ड ऑन द डायग्राम अबव. तो यहाँ पे देखिए अब बार एक्स दिखाया गया है, इसमें कंपास है ओके. मेटल बार के तरफ कंपास को मूव किया जा रहा है. तो हमेशा कंपास जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में दिखाता है ओके. अब यहाँ पे इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं. बार एक्स इज़ अ मैग्नेटिक मटेरियल, बार एक्स इज़ अ मैग्नेट, बार एक्स इज़ अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल और बार एक्स इज़ आइदर अ मैग्नेट और अ मैग्नेटिक मटेरियल. तो जाहिर सी बात है बार एक्स जो है वो एक मैग्नेट मटेरियल है, इसीलिए उसकी जो प्लॉटेड कंपास जो है वो स्लोली टूवर्ड्स मेटल बार के तरफ ले जाने के बाद से उसका जो पोजिशन है वो चेंज हो रहा है राइट. तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ओके. तो आप इसे कैसे कंक्लूड करोगे. जो नीडल है वो जाहिर सी बात है अट्रैक्ट कर रहा है टूवर्ड्स द बार और उसके वजह से मैग्नेटिक मटेरियल जो है उसमें जो मैग्नेट मटेरियल है वो क्या हो रहा है, जैसे जैसे फाइनल पोजीशन के पास जा रहा है उसके जो मैग्नेट्स है वो डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं मीन्स. तो ऑप्शन बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा. लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं. द गिवन डायग्राम शो अ मैग्नेट बींग यूज टू पिक अप स्टील बार. द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज क्लोज टू द सेंटर ऑफ अ स्टील बार अ शोन इन द गिवन फिगर. वॉट आर द पोल इंड्यूस्ड इन द स्टील बार एक्स वाई एंड जेड. तो यहाँ पे एक गिवन डायग्राम शो किया गया है. अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक गिवन डायग्राम शो किया गया है. द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज क्लोज टू द सेंटर. जब नॉर्थ पोल जो है वो सेंटर तक लेके गया है यहाँ पे. सेंटर ऑफ द स्टील बार, स्टील बार का शोन इन द गिवन फिगर. व्हाट आर द पोल इंड्यूस्ड इन द स्टील. कौन सा पोल इंड्यूस्ड होगा इन द स्टील, इन द स्टील एक्स वाई जेड. तो यहाँ पे पोल इंड्यूस्ड एट एक्स, एक्स के तरफ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ साउथ, वाई के तरफ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ ओके. पोल और पोल इंड्यूस्ड एट जेड इन नॉर्थ, नॉर्थ साउथ साउथ. तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा जब भी मैग्नेट को, मैग्नेट का नॉर्थ पोल को जब भी हम इंड्यूस्ड करेंगे स्टील बार के पास तो वो क्या इंड्यूस्ड क्या होगा, नॉर्थ पोल ही इंड्यूस्ड होगा राइट. नॉर्थ पोल ही इंड्यूस्ड होगा. फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका सही आंसर तो ए ही होगा. आप जब ये बार मैग्नेट को यहाँ पे इंड्यूस्ड कर रहे हैं तो दूसरे पार्ट यहाँ पे कैसे इंड्यूस्ड होंगे, साउथ पार्ट कैसे होंगे यहाँ पे इंड्यूस्ड, क्योंकि ये नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल को हम इंड्यूस्ड कर रहे हैं यहाँ पे. तो जाहिर सी बात है नॉर्थ पोल ही इंड्यूस्ड होगा. जब भी कोई चीज़ को हम अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए नॉर्थ पोल साउथ पोल मायने नहीं रखता है, क्योंकि वो चीज़ उसे क्या करेगी. मैग्नेट है, अगर एक मैग्नेट है और एक मेटल है तो मेटल, मेटल जो है चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो वो सबको अट्रैक्ट, सबको इंड्यूस्ड करेगी राइट. तो यहाँ पे
ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक मेटल है तो वो सिर्फ नॉर्थ पोल को ही अट्रैक्ट करेगी एंड साउथ पोल को रिपेल करेगी, ऐसा नहीं है। नॉर्थ पोल की तरफ लेके आइए या साउथ पोल की तरफ लेके आइए, जो पार्ट होगा वो उसी के ही इंड्यूस्ड करेगी। तो इसीलिए इसके इसका हमने नॉर्थ पार्ट को लेके आया तो वो सबको ही इंड्यूस्ड नॉर्थ पोल से ही करेगी, है कि नहीं। तो इसका सही ऑप्शन इसीलिए नॉर्थ पोल ही होगा, ओके। लेकिन यहाँ पे मेटल के जगह पे अगर मान लीजिए मैग्नेट होता तो नॉर्थ पोल साउथ पोल को नॉर्थ पोल इंड्यूस्ड करता एंड नॉर्थ पोल को सॉरी साउथ पोल को नॉर्थ पोल इंड्यूस्ड करता, समझ में आया। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओके। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय।